हेलो सब एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है सभी लोगों का मेरे चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 3 ऑसम ट्रिक्स जो कि सब लोग परफॉर्म कर सकते हो और बहुत इजी है और उसके लिए ज़्यादा कुछ आपको लगेगा भी नहीं। सो गाइस, वीडियो पूरा देखना और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना। तो गाइस, जो फर्स्ट ट्रिक आप लोगों ने ट्रेलर में देखा था, उस ट्रिक के लिए करने के लिए आपको एक रिंग चाहिए रहेगी और कुछ रबर बैंड्स चाहिए रहेंगे जो कि आपको इस तरह से कट कर लेना उस रबर बैंड को, ठीक है। तो कुछ इस तरह आपको लगेगा, सिर्फ दो चीज़ लगेगी, ठीक है। तो जो ट्रिक थी कुछ ऐसी दिखती थी। सो गाइस, ये बहुत इजी ट्रिक है और बहुत ऑसम लगती है करने में। तो गाइस, मैंने ये ट्रिक कैसे करा, तो पहले तो एक रिंग लेनी है और उसे रबर बैंड के अंदर ऐसे डाल देना है, ठीक है। और क्या करना, आपको थोड़ा सा पार्ट जो रबर बैंड का रहता है ना, वो अपने हाथ में छुपा लेना है इस तरह से, ठीक है। और क्या करना है, आपको रिंग को थोड़ा स्लैंटिक पोजिशन में रखना है ताकि उन लोगों को अच्छे से दिखे कि रिंग ऊपर ऊपर जा रही है, ठीक है। और क्या करना, आपको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेना इस तरह से और धीरे धीरे इस आपके जो राइट हैंड के अंदर से है जो बचा हुआ पार्ट उसे रिलीज करते रहना धीरे धीरे। तो ऐसा क्या लगेगा कि ना रिंग अपने आप ऊपर जा रही है, और उसे इस तरह से कवर करके छुपा लेना जिससे कि वो आपको किसी को दिखे नहीं थी। तो गाइस, जो आपने सेकंड ट्रिक देखा था उसका नाम है बाउंसिंग रबर बैंड, और उस ट्रिक इस तरह दिखती थी। मैंने पहले रबर बैंड अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में पहना था, और जब मैं थोड़ा सा मैजिक करता था तो फिर वो फिंगर्स में जंप कर लेता था। तो ये ट्रिक बहुत ईजी है, उसको करने के लिए भी आपको एक रबर बैंड चाहिए। क्या करना, आपको पहले रबर बैंड को अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में पहन लेना, और फिर क्या करना, आपको साइड वेज से खींचना है रबर बैंड को इस तरह, और अपने चारों फिंगर्स जो पिंकी फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर है, सभी को इस रबर बैंड में ऐसा इंसर्ट कर लेना, ठीक है। तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो सिर्फ ये दो फिंगर्स में लग रहा है, लेकिन वो पीछे की तरफ से ये ट्रिक है, ठीक है। और जब आप इसे स्लाइटली ओपन करोगे तो क्या होएगा, ये रबर बैंड है ना, अपने आप इस तरह पुश हो जाएगा और लगेगा कि ये बाउंस हो गया इस दोनों फिंगर्स में, ठीक है। तो बहुत ईजी ट्रिक था, और बढ़ते हैं। तो गाइस, जो आपने थर्ड और लास्ट ट्रिक देखा था वो एक रिंग से किया था मैंने, जो कि ये था। तो गाइस, ये ट्रिक करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक रिंग लेना है और अपने इंडेक्स फिंगर में इंसर्ट कर लेना, ठीक है। और क्या करना, आपको जब आप इसे रिमूव करने जाओगे तो आपको क्या करना है कि अपने इंडेक्स फिंगर को अपने मिडिल फिंगर से रिप्लेस कर लेना है, ठीक है। उसे इस तरह, अगर आप उस तरह से देखोगे तो आपको ये इंडेक्स फिंगर ही लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, मिडिल फिंगर इसे रिप्लेस कर लेना है। जब आप इसे लेने जाओगे तो आपको मिडिल फिंगर ले लेना है बस। तुम्हें लगता है कि आपने रिंग ले लिया है और अचानक रिंग वैनिश हो गया है, और आप हवा में से लेकर इस तरह करोगे वापस, आपको क्या करना है, मिडिल फिंगर को इंडेक्स फिंगर से एक्सचेंज करना था। उन्हें लगता है कि वापस मैंने मैजिक से रिंग वापस अपने इंडेक्स फिंगर में ला लिया। तो यही था इस मैजिक का रिव्यू। सो गाइस, इस वीडियो में जितने भी मैंने ट्रिक्स बताया बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब ट्रिक्स आ जाएंगे। सो गाइस, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे नए नए वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं अगले भी ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग मैजिक के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।